हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अमित दीक्षित आज आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेसिबो प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि बच्चों, हमें अपनी पढ़ाई के लिए अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि बिना नोट्स के तो हम अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि हमें आती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हमें रिवीजन करना होता है, जब हमारे एग्ज़ाम बहुत क्लोज होते हैं, तो हम पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते। तो हमारे पास क्या होने चाहिए? हमारे अपने नोट्स होने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू मेक लेक्चर नोट्स एंड सेल्फ स्टडी नोट्स, हमें अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले अपने बारे में बताने के लिए। बच्चों, मेरा नाम अमित दीक्षित है और मैं कोटा में पिछले 16 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में अपनी क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और मैंने कानपुर आईआईटी से कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज किए जो मेरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। और मैंने कुछ किताबें लिखी जो बच्चों के बहुत काम आती हैं, नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के बहुत हेल्प के लिए चीज़ें होती हैं, वो सब मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको नोट्स कैसे बनाते हैं वो इन्फॉर्मेशन देने के पहले एक बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन है कि अगर बच्चों आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ना हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो बच्चों, अगर आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो आपको जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है बताता हूँ मैं आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको क्विजेज मिलेंगी और टेस्ट मिलेंगी। ये क्विजेज और टेस्ट क्या होते हैं? देखो, क्विज माने किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन, और टेस्ट माने होता है कि जो हमने पढ़ा उसको इवेल्युएट किया जाए कि वो कितना रेलिवेंट था हमारे लिए, कितना काम का था। तो बच्चों, हमने क्या किया, क्विजेज करी और टेस्ट किए। क्विजेज और टेस्ट करके हमको ये पता चला कि हमारी जो पढ़ाई है वो कितने काम की है, कितनी यूजफुल है। और जब ये हमने अपने प्लस कोर्स के बच्चों को दिया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे तो खुशी से पागल हो गए कि सर अब मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, डाउट क्लियरिंग सेशन। जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, ये डाउट क्लियरिंग सेशन क्या करते हैं, ये डाउट क्लियरिंग सेशन आपकी पढ़ाई को एक रिदम देते हैं। क्योंकि बच्चों, पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ओके है, लेकिन जब कहीं पर आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस समय आपकी मदद करने वाला कोई होना चाहिए। और अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इसका जो लेक्चर प्लान बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया है बच्चों कि हर 3 लेक्चर के बाद आपको डेडिकेटेड एक डाउट क्लियरिंग सेशन ज़रूर मिलेगा। तो सारी क्वेरीज जो आपने इकट्ठा करी है, जो आपके पास हो गई, वो सारी क्वेरीज एक ही बार में सॉल्व आउट हो जाती हैं। बच्चों, तीसरा हमें बेनिफिट मिलता है लाइव क्लासेस का। लाइव क्लासेस का जो बेनिफिट है वो कुछ इस तरह का है कि जब लेक्चर चलता है तो आप टीचर से बात कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और डिस्कशन करके आप अपने सारे जो सवाल जवाब हैं उन्हीं से टीचर से सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लाइव सेशन का आपको बच्चों बेनिफिट मिलता है। और साथ में पर्सनलाइज लर्निंग। जब बच्चा अपने घर में लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या अपने मोबाइल पे क्लासेस लेता है तो उसे कैसा फील आता है? ऐसा लगता है कि फैकल्टी सिर्फ उसको पढ़ा रहा है। तो बहुत पर्सनल और बहुत ही एक रियल फीलिंग आता है कि फैकल्टी मेरे को ध्यान से पढ़ा रहा है। और उस पर्सनल फीलिंग का हमें बहुत बेनिफिट मिलता है कि मेरा स्टूडेंट्स सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तभी करता है जब उसको लगता है कि टीचर मेरे को स्पेसिफिकली पढ़ा रहा है। और इससे आपको ग्रुप लर्निंग के फ़ायदे मिलने बंद नहीं हो जाते, ग्रुप लर्निंग के तो फ़ायदे मिलते ही मिलते हैं। अब जैसे ग्रुप लर्निंग का फ़ायदा क्या होता है, एक बच्चा सवाल पूछता है तो उसके जवाब जब टीचर देते तो सारे बच्चों को बेनिफिट मिलता है। सेम यहाँ भी ऐसा होता है, बच्चों कोई भी स्टूडेंट सवाल पूछेगा तो प्लेटफॉर्म पे आता है और उस प्लेटफॉर्म को टीचर पढ़ते हैं सवाल को, और जब जवाब देते हैं तो सारे बच्चों को बेनिफिट मिलता है। तो यार, ये तो सभी के सभी बेनिफिट मैंने बता दिए, नहीं ये प्लस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे बेनिफिट है। अब अगर आपको ये प्लस प्लेटफॉर्म ऑप्ट करना है तो क्या करना चाहिए? आपको इतने बढ़िया बढ़िया फैकल्टी की क्लासेस मिलने वाली हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कोई ना कोई एक प्लान ऑप्ट कर लेना चाहिए। देखो, यहाँ पर 1 महीने का भी प्लान है, 3 महीने का भी प्लान है, 6 महीने का भी प्लान है, 12 महीने का भी प्लान है, 24 महीने का भी प्लान है। और आप कोई भी प्लान लगाओगे ना तो आपके पास एक और ऑप्शन होगा कि मेरा आप रेफरल कोड भी अप्लाई करें। लेकिन रेफरल कोड कैसे अप्लाई होगा, देखिए सबसे पहले आप एक प्लान चुन लीजिए। अब आप कहोगे सर कौन सा प्लान चुने, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके लिए सबसे सुटेबल जो प्लान है
वो सबसे सुटेबल प्लान है 12 महीने का। 12 महीने का प्लान इसलिए सुटेबल है कि जो आपको 5000 रुपया पर मंथ का प्लान मिल रहा है वही चीज़ 2000 रुपये में आपको अवेलेबल हो रही है, 2083 रुपीस, यानी कि आपको 12 महीने में 25000 रुपये पे करने हैं। ऊपर से आप मेरा अगर कोड अप्लाई करते हैं अमित 10, तो जैसे ही कोड अप्लाई करोगे फीस हो जाएगी 22500। आप सोचो यानी कि 10% का आपको और डिस्काउंट मिला, वो भी मेरी वजह से। तो आप इसको अप्लाई करिए और बेनिफिट लीजिए। और जो बच्चे क्लास 11th में, उनके लिए ये प्लान सबसे बढ़िया है। कौन सा प्लान? दिस प्लान इज द बेस्ट प्लान, 24 मंथ का। और इस प्लान में आपको वही चीज 1667 की पड़ेगी। तो 1667 की अगर 24 मंथ का प्लान लेंगे तो फीस बनती है 40,000। लेकिन आपको क्या करना है, मेरा कोड अप्लाई कर देना है, सिंपल। जैसे ही मेरा कोड अप्लाई करोगे तो 40,000 की फीस कितनी हो जाएगी, 36,000। तो यार सारे तो मैंने बेनिफिट बता दिए, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी, क्विजेज, टेस्ट, लाइव लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनलाइज लर्निंग, ये सारे बेनिफिट तो मैंने बता दिए। तो अब देर किस बात की, फटाफट अनअकैडमी का प्लस कोर्स सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमें अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए। सबसे पहला सवाल नोट्स के कंसेप्ट को समझाने के लिए कि हम नोट्स बनाते क्यों हैं, और दूसरा सवाल नोट्स की क्वांटिटी बुक की क्वांटिटी की तुलना में कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों सवाल के एक एक करके जवाब देते हैं। पहला सवाल मैंने पूछा, नोट्स हम क्यों बनाते हैं। देखिए, नोट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि नाजुक वक्त पर, नाजुक वक्त बोले तो एग्जाम एग्जाम के वक्त हमें वो नोट्स काम आ जाएं। और कोई उद्देश्य नहीं है नोट्स बनाने का। आपको ना तो लिखने का शौक है और ना अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए नोट्स बनाते हैं। आप सिर्फ नोट इसलिए बनाते हैं ताकि मौके पर, जरूरत पड़ने पर वो नोट्स आपके काम आ जाएं। अच्छा, दूसरा सवाल, नोट्स की मात्रा किताबों की तुलना में कितनी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कम होनी चाहिए, नोट्स हरदम कम और बुक की तुलना में बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो मैंने नोट्स के लिए आपको क्या सबसे बेस्ट चीज बताई, नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए, नोट्स आपके स्वीट, स्वीट बोले तो मतलब आसान है ना, जो आपको अच्छे लगते हो, मीठे और रेलिवेंट, काम के होने चाहिए, बेकाम के नहीं होने चाहिए। तो नोट्स छोटे, अच्छे और काम के। देखिए, दुनिया भर की किताबें हैं आपके सामने, हजारों बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी में आप जाते हैं, कोई कोचिंग में पढ़ते हैं, वो आपको ये नोट्स लिखाते हैं, वो नोट्स लिखाते हैं। मैंने तो एक और चीज़ नोट करी है कि किताबें तो पतली होती हैं किताबें तो पतली होती हैं, और उन किताबों को पढ़ा के जब नोट्स टीचर बनवाते हैं कई बार, तो रजिस्टर ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। हैव यू नोटिस इट, हाँ, नोट्स ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। फिर मैं बच्चों से पूछता हूँ, ये बताओ नोट्स है कि रद्दी, तो बोलते चले तो मेरे बड़े कीमती नोट्स हैं। मैंने कहा नोट्स माने क्या, नोट्स माने शॉर्ट, स्वीट एंड रेलिवेंट। क्या वो नोट्स शॉर्ट हैं, वो तो बहुत एलोबरेटिव हैं, विस्तार से हैं, वो नोट्स कैसे हो सकते हैं, और कई बार तो रेलिवेंट भी नहीं होते। मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कई बार वो अनरेलिवेंट होते हैं, काम के नहीं होते। तो ये बातें तो आपको नोट्स बनाते समय जरूर ध्यान रखनी है कि आपको पूरी किताब को पढ़ करके, पूरी बुक्स के सारे कंटेंट को पढ़ के, उससे इंपॉर्टेंट चीजें अपनी नोट्स पर लिखनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स अपनी बुक्स पर नोट करने, बस यही तो नोट्स बनाने का तरीका है, और क्या तरीका है, यही मुद्दे की बात है। आगे देखिए, बेस्ट नोट मीन्स, अच्छे नोट्स का क्या मतलब होता है बच्चों, अच्छे नोट्स का मतलब होता है नोट्स आर वेरी पर्सनल। नोट्स आप किसी दूसरे के लिए नहीं बनाइए, अपने लिए बनाइए, और उसको बनाते समय आप किसी भी तरह का फैशन, किसी भी तरह का संकोच, किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन, किसी को दिखाना है, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपनी स्टाइल से नोट्स बनाने, क्योंकि वो पर्सनल है। एंड नोट मस्ट बी क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। नोट्स कैसे होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए क्वालिटी, खतरनाक, एक एक शब्द, एक एक लाइन का मीनिंग होना चाहिए, बेकार के ऊटपटांग चीजें नहीं होनी चाहिए।
अगर आपको लिखना है सपोज कि पी प्लांट में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होना चाहिए, तो बस पी लिखिए, डैश बनाइए, वैक्सिलरी लिखिए, हो गया। पी प्लांट हैज वैक्सिलरी एस्टिवेशन, दिस इज नॉट द यू नो क्वालिटी ऑफ गुड नोट्स, बस हेडिंग और डैश लगाया, उस पर्टिकुलर वर्ड को लिख दिया, दैट इज नोट्स। क्योंकि आप ही को तो रिवाइज करना है, आपको पता है वैक्सिलरी क्या है और पी क्या है, गॉट इट। तीसरा पॉइंट, अगर पिक्टोरल हो तो सबसे अच्छी बात है, नोट्स को पिक्टोरल बनाइए, ग्राफिकल ले सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कुछ इमेजेस ले सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो नोट्स को पिक्टोरल बनाइए, उस पे कुछ फ्लो चार्ट दीजिए, और अगर टेबल पुट कर सकते तो टेबल पुट करिए। ये टेबल, ये फ्लो चार्ट और ये पिक्टोरल चीजें आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में थोड़ा लंबा अटकती हैं, देर तक रहती हैं। पॉइंट्स जल्दी जल्दी जो होते हैं वो कई बार स्लिप आउट होते हैं, पिक्चर्स यू नो उनकी रिटेंशन ज्यादा होती है, तो ट्राई टू मेक पिक्चर्स ऑफ योर थॉट, ऑफ योर मेमोराइजिंग पॉइंट्स, दैट्स कि वो आपको लंबे वक्त तक याद रहे। और एक और पॉइंट, देयर शुड बी अ चांस ऑफ अपडेट, जब भी नोट्स बनाएं तो थोड़ी सी जगह आगे पीछे उसके बॉक्स बना के एक पेज ले लें, उस पेज को ऐसे लाइन खींच के चार बॉक्स में डिवाइड कर दें, और एक बॉक्स में लिख के थोड़ी सी बॉक्स में जगह छोड़ के रखें कि मुझे अपडेट करना पड़े तो इस बॉक्स में जो भी चीजें होंगी अपडेट कर लेंगे, फिर दूसरे बॉक्स में लिखें, वहां पर भी लिमिटेड लिखें, फिर थोड़ी जगह आसपास छोड़ के रखें ताकि उसे अपडेट कर लें, फिर तीसरे बॉक्स में लिखें, तीसरे बॉक्स में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लिखें, थोड़ी जगह छोड़ दें, वहां पर भी अपडेट का चांस रखें, क्योंकि आप किताबें पढ़ेंगे और भी टीचर के कांटेक्ट में आएंगे, अपने सीनियर से बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी फॉरेन ऑथर की और इंडियन ऑथर की बुक पढ़ेंगे, तो आपको नए नए पॉइंट मिलते जाएंगे। तो बॉक्स में जगह रहनी चाहिए, बॉक्स पूरा फुल नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा लिख करके उसमें जगह छोड़ दो, फिर दूसरे बॉक्स में दूसरी हेडिंग के बारे में लिखो, तीसरे बॉक्स में तीसरी हेडिंग के बारे में लिखो, और जब ऐसे बनाओगे तो इतने ब्यूटीफुल नोट्स बनेंगे मैं बता नहीं सकता हूँ, खतरनाक वाले, मज़ेदार वाले, और सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे, ए भाई दे देना क्या नोट्स, तेरे बड़े अच्छे नोट्स हैं, मैं तो पढ़ने के लिए दे देना, बड़ी मजा आएगी, नहीं तो फिर आप कहोगे अरे यार नहीं देंगे यार, अपने खुद बना लो भाई, वो तो मेरे हैं, क्योंकि नोट्स बड़े पर्सनल होते हैं, ये सबको शेयर भी नहीं किए जाते, ठीक है। और नोट्स मेकिंग इज अ वेरी इजी प्रोसेस, नोट्स बनाना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये की ऑफ सक्सेस भी है, जिसने सही अच्छे और रेलिवेंट नोट्स बना लिए उसका रिवीजन बहुत फास्ट होगा, और जब उसका रिवीजन बहुत फास्ट होगा तो उसको आउटपुट भी सबसे अच्छा मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना हमें बहुत जरूरी है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इसे पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हमारे चैनल का नाम है अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसिबो, और मेरा कोड था अमित 10। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।